क्या हम इन्हें टच कर सकते हैं? नहीं नहीं बेहू, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। ये बेबीज ना बहुत ही डेलिकेट और वीक होते हैं, इन्हें टच करेंगे तो हो सकता है इन्हें जर्म्स या इन्फेक्शन लग जाए, तो इसीलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें स्पेशल केयर में रखा जाता है। स्पेशल केयर में क्यों? बेहू, ये वो बेबीज होते हैं जिनकी टू टू ममाज होती हैं। एक जो उन्हें जन्म देती है और दूसरी जो उन्हें लाइफ टाइम के लिए संभालती हैं। ओ, इसका मतलब सरोगेट बेबी। देवकी जो इन्हें जन्म देती है और यशोदा जो इन्हें संभालती है ना? वाओ मेरी प्रिंसेस, वेरी स्मार्ट। मैंने बताया था ना कि रियल लाइफ में भी बहुत होता है ऐसा, एंड आजकल तो ऐसे बहुत सारे केसेस है सरोगेट बेबीज के। अच्छा, तो मतलब कोई भी बेबी सरोगेट बेबी हो सकता है? हाँ बेहू, ऐसे कोई भी हो सकता है। पर ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। पीहू, मैं ना आज तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ कि तुम भी एक सरोगेट बेबी हो। तुम शगुन मामा के पेट में थी 9 महीने तक, लेकिन ना तुम्हारी असली माँ इशिमा है, तुम उन्हीं की बेटी हो। जब ये पिक्चर्स देखोगी ना तो तुम्हें समझ आएगा तुम कैसे आई हो। Not allowed. Little water ये। चलो यहाँ से पियो। Good girl. Come on. For you. Wow. Thank you. तुमने मुझे फोन करके तैयार होने को क्यों बोला? कोई occasion है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मनी अंकल कहाँ पर है? वो मुझे उनसे कुछ पूछना था। यू कम इन, मैं बुलाती हूँ। अपा। हाँ आलिया। आदि। He wants to talk to you. How are you? I'm good. अंकल, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? वो मैं आलिया को एक प्ले दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ और उसके बाद डिनर, तो उसके लिए परमिशन। इसके लिए परमिशन? आई मीन तुम दोनों पहले भी तो बाहर गए हो एक साथ, तब तो परमिशन ली नहीं, तो इस बार क्यों? एक सेकंड, यू आर लुकिंग वेरी नर्वस, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। नहीं अंकल, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। वो रिसेंटली मुझे लगा कि जब कोई यंग लड़की एक लड़के के साथ बाहर जाती है तो सबसे ज्यादा उसकी टेंशन उसके फादर को ही होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे परमिशन ले लूँ। वैसे अंकल, मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम दोनों किसी डेट पे नहीं जा रहे हैं, बस प्ले देखना है और डिनर, जूस, परमिशन। ऑफ कोर्स आदि, तुम आलिया को डिनर पे ले जा सकते हो, लेकिन आई होप तुमने आलिया से पूछ लिया। आलिया, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? वैसे मैं खाने के लिए कभी मना नहीं करती, और इसके बाद तुम मुझे प्ले दिखाने जा रहे हो तो दैट वुड बी डबल ट्रीट फॉर मी। आई एम रेडी। एंड मनी अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं आलिया को सेफली घर ड्रॉप कर दूंगा। चलें? या। बाय, एंजॉय योरसेल्व्स। आई होप मीर मामू के टिप्स काम आ जाएं। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। ईशु को पूछना पड़ेगा। क्या? रूही ऐसे कैसे बताने वाली है उसको? पीहू को इस तरह से बताना गलत होगा। एग्जैक्टली इशित। मैं भी चाहती हूँ कि पीहू को पता चले कि तुम उसकी असली माँ, पर ऐसे नहीं। तुम तो जानती हो ना कि पीयू कितनी सेंसिटिव है, छोटी बच्ची है, अगर उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, गलत सोच लिया तो अब रूही भी तो तुमसे 7 साल तक नाराज थी, अगर पीयू भी नाराज हो गई तो आई डोंट थिंक हमें उसे इस तरह बताना चाहिए। मैं बात करती हूँ उससे। रूही, तुम ठीक तो हो? हाँ बाबा, मैं बेटर हूँ। फिर अचानक यहाँ इस तरह हॉस्पिटल में? रमन,
आप एक काम कीजिए ना, पीहू को लेके आप जाइए, रूही मेरे साथ आ जाएगी, वो शगुन और मैं ले आएंगे इसे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, हम सब साथ में ही वापस जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशिता सही कह रही, पीहू आप चलो मेरे साथ, हाँ रूही दीदी डॉक्टर को मिल के आ जाएंगी, चलो। आपने पीहू को यहाँ से भेज क्यों दिया? मैं तो उसे यहाँ समझाने लाई थी ना, उसे बताने लाई थी कि क्या होता है। क्या बताने वाली थी तुम उसे? तुम उसे ये बताने वाली थी कि अब तक वो जिसको अपनी माँ मानती थी वो उसकी माँ है ही नहीं। कितने साल की है वो? 7 साल की बच्ची है वो रूही। बेटा अगर तुम उसको बताती ये सच तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाती इजीली? इनसिक्योर फील नहीं करती? डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? देखो तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हुए थे मुझे लेके, वो भी बच्ची है, उसे भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं ना, एकदम से बताओगे तो। हाँ मैं समझती हूँ, पीहू को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि सच क्या है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी असली माँ कौन है। वो तो शगुन मम्मा के साथ रहती थी, अब तो उसे तो पता भी नहीं है कि आप उसकी असली माँ हो। मैं चाहती हूँ बेटा तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ गलत किया, पर ये समय सही नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची को एकदम से अगर आप ये सदमा दोगे कि उसकी मम्मा नहीं है, वो सब पे बिलीव करना छोड़ देगी, हो सकता है तुम पे ही बिलीव करना छोड़ दे। दैट्स अ बिग रिस्क, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमारी है ना। हाँ पता है एक छोटी सी गलती होगी ना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वी कैन नॉट लेट दैट हैपन, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा उसके साथ। तुमने अभी तो उसको बताया ना कि मैं इशिमा हूँ, बहुत बड़ी बात है उसने मुझे इशिमा बोला, लेकिन अब आगे उसे थोड़ा वक्त देना होगा, अभी तो वो जानती भी नहीं ना कि इशिमा कौन है, अब तक तो वो सिर्फ एक हार वाली आंटी को जानती थी, उसे मुझे समझने तो दो पहले, give us time, क्योंकि पता नहीं अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसका सबसे बुरा रिजल्ट ये होगा कि या तो वो मुझे माँ एक्सेप्ट करने से मना कर देगी, या वो शगुन पे भरोसा करना बंद कर दे, हो सकता है कि वो शगुन से नाराज हो जाए कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, repercussions बहुत बुरे हो सकते हैं, so we have to be very very careful. मैं जानती हूँ रोहित बेटा कि तुम पीहू को अपनी इशिमा से बनाना चाहती हो, बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, पीहू की माँ मैं भी हूँ और हम दोनों माएँ चाहती कि पीहू को सब धीरे धीरे पता चले, स्टेप बाय स्टेप, अभी नहीं, और रोहित जब भी हम बताएंगे ना तो उसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि पीहू तुम्हारी हर बात मानती है। ठीक है मैं पीहू से कुछ नहीं कहूंगी, टाइम आने पर हम बाद में उसे सब कुछ समझा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रोहित, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। नीलू की बना रही है आज डिनर में? अरे मम्मी जी मैंने ना नीलू को बता दिया है कि आज डिनर में क्या क्या बनाना है। आज मैं और रूमी ना डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। बल्ले बल्ले। क्या है रूमी? ये तो कोई डिग्री लग रही है किसी यूनिवर्सिटी की। किसकी है? पता नहीं किसकी है, नाम मिटा हुआ है, बल्ला लिखा हुआ है, मैं तो बस साइन किया, मैं खोल के देख लेता हूँ। अच्छा डना किसी की भी हो, ये तो तय है कि तेरी नहीं हो सकती। उत्तर तूने तो कॉलेज में ना सारे कांड ही कांड किए, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, जो तेरी डिग्री या डिप्लोमा आएगा है? पता है पापा जी मुझे भी क्या हो गया, तो देख सकता हूँ। तेरे बस का ना सिर्फ साइन करके डिग्री लेना ही है, पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लाना नहीं है। मीका, मीका पुत्र तूने मंगवाई है यूनिवर्सिटी से डिग्री? ओ हाँ जी पापा जी, मैं तो भूल ही गई थी, दरअसल घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि जॉब्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ, ओरिजिनल वाली कहीं मिसप्लेस हो गई थी तो इसीलिए डुप्लीकेट कॉपी मंगवाई। अच्छा बहुत चंगा किया पुत्र, इतनी पढ़ाई की है तो ऐसे बेकार थोड़ी जाने चाहिए। अच्छा है पर अब सीईओ या एमडी की जॉब मत ढूंढना, जो मिले वही ले लेना। और क्यों नहीं मिलेगी इसको सीईओ या एमडी की जॉब? और मीका के पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, इसे तो बढ़िया से बढ़िया जॉब मिलेगी। मीका ने मेहनत की है, उसने खूब दिल लगा के पढ़ा है,
तो उसके पास दिखाने के लिए डिग्री है, तो जॉब भी चंगी मिलेगी। तेरे पास तो वो भी नहीं है ना, डिग्री नहीं है ना पुत्र, तूने पढ़ाई नहीं। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे सीईओ बनना ही नहीं है। मैं इस लायक हूँ कि मैं सीईओ को सैलरी दूँ, यू नो। हाँ, हैप्पी बर्थडे। चलो मीका, लेट हो रहा है, मैं डिनर पे जाना है। हाँ। प्रोमी पुत्र, अंगूर खट्टे हैं। सेब खा लूंगा मैं। डिग्री नहीं होगी, शहंशाह का ताज। अलग अलग। प्लीज कम। थैंक यू। माय गॉड आदि, आई एम फैमिश्ड। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस देख के तो मुझे और भूख लगी है। एंड आई मस्ट से कि तुमने बहुत अच्छी जगह चूज की है। आई एम इम्प्रेस्ड। मीर मामू के टिप्स फाइनली काम आ रहे हैं, मतलब अब मैं किसी भी लड़की पे ट्राई करके उसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। अरे आलिया, सिट ना प्लीज। थैंक यू। नाइस इट इज। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें रेस्टोरेंट पसंद आया। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? या आई एम कंफर्टेबल, पर तुम्हें क्या हो गया? वो फ्लावर्स, कैंडल्स, लुक एट यू, यू लुक डिफरेंट। आई मीन यू लुक गुड। थैंक यू। बात क्या आदि? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुमने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सोचा आज दिखा दूं। यू नो, थोड़ा चेंज होना चाहिए लाइफ में। दैट्स रियली नाइस। एंड बाय द वे, ये सब बहुत क्यूट है। थैंक यू। ओहो, लड़की को ये सब क्यूट लगता है। गुड गोइंग आदि, गुड गोइंग। अरे मैम बैठी है, प्लीज उन्हें दीजिए। मैम प्लीज। थैंक यू। थैंक यू आदि। सो व्हाट डू यू हैव? कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। वैसे आलिया, हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हें शो कैसा लगा। ओ या, आई फॉरगॉट, आई मस्ट से शो वाज ब्रिलियंट, यू नो। वैसे मुझे लव स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, वही टिपिकल लड़का लड़की का मिलना, झगड़ना, फिर प्यार होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को स्पेस देना, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, यू नो। इसे एक मैच्योर रिलेशनशिप बोलते हैं, एंड मुझे मैच्योर रिलेशनशिप्स बहुत पसंद है। ओह, तो मतलब तुम्हें मैच्योर लव स्टोरीज पसंद है? हां, यस, वेरी नाइस। क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? नहीं नहीं, मुझे मैच्योर लव स्टोरीज ही पसंद है। अरे देखो ना, वो लड़की बिल्कुल भी टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं थी। एग्जैक्टली। उसने डेट पे ना हील्स पहनी थी, ना मेकअप किया था। वाओ, दैट इज सो क्यूट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, जब वो लड़का जॉगिंग पे लेके जाता है लड़की को, वो भी स्नीकर्स में, एंड देन वो गोलगप्पे खाते हैं, दैट वाज रियली क्यूट। यस। आई विश मैं भी ऐसे डेट पे जाऊं। आई रियली वांट। ओहो बॉस, मुझे लगता है कि लड़की इंप्रेस हो रही है। अरे आलिया और आदि, ये भी यहाँ पर? चलो इनके साथ ही बैठते हैं। अरे नहीं मम्मी, बच्चे हैं, हम अलग से कहीं बैठ जाते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चे हैं? बच्चे तो अपने घर के बच्चे हैं, कौन सा बाहर के हैं? फैमिली मेंबर्स हैं, एक रेस्टोरेंट में अलग अलग बैठेंगे, अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रही, चलो चलो। हेलो, हाउ आर यू? हे, हम यहाँ पे डिनर के लिए आए थे, तो तुम लोगों को बैठे हुए देखा, सोचा साथ में डिनर कर लेते हैं। हाँ, या या, श्योर, प्लीज जॉइन अस। क्या यार चाचू, लड़की को इम्प्रेस करने के एक्सपेरिमेंट को फैमिली डिनर बना के रख दिया। आदि, बैठ जाओ तुम्हारे साथ। नहीं, हाँ हाँ चाचू, कर सकते हैं ना, साथ में करते हैं डिनर। चलो चलो। रियली? रूही का दिमाग कितना चलता है? अब तो मानती ना मदरसा की रूही बाप पे गई है, हमेशा स्मार्ट प्लान बनाती है। प्लान बहुत बेकार था। क्यों? सरोगसी, पीहू पता नहीं इस बात को समझ भी पाती या नहीं समझ पाती, बच्ची है वो छोटी सी, हमें बहुत सेंसिटिवली डील करना होगा उसके साथ। एक्चुअली यार, यू आर राइट। पता है, जब मैं पीहू को बताने जा रहा था ना, तो एन वो पे रूही ने मुझे रोक दिया। अच्छा, लेकिन एक बात अच्छी है कि रूही, तुम, शगुन, तुम तीनों यही चाहते हो कि पीहू को सच पता चले। शगुन नाम, मैं बात नहीं कर पाई उससे। क्यों, क्यों? एक्चुअली वो अनिल की डेथ, मैंने उसके बारे में बताया, इवन शगुन वाज शॉक्ड। इस बारे में जिक्र नहीं कर पाई मणि के बारे में। तो वैसे भी पिछले बार तो आप ही ने बात की ना मणि के बारे में, उससे
आप ही क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका क्या ख्याल है? एक्चुअली देख शगुन को आइडिया तो है क्योंकि एक बार मैं बात कर चुका हूँ। दोबारा टॉपिक छेड़ने से पहले आई थिंक तू एक बार मनी से बात कर ले, पता चले शगुन ने हाँ कह दी और मनी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो इट वोंट लुक गुड ना शगुन को फिर से। वैसे मनी से बार बार नहीं पूछना पड़ेगा, मनी बहुत क्लियर हेडेड है, मैं जानती हूँ ना उसे, बचपन का दोस्त है, मैं जाके उससे अभी बात कर लूँ। थैंक्स इशु, अच्छा हुआ तुम आ गई डिनर पे, एंड द फूड इज ब्रिलियंट। खाया तो है नहीं, खाओ तो ठीक से। वैसे आलिया भी बाहर गई हुई है, अगर तुम नहीं आती तो अकेले मैं शायद कुछ ब्रेड बटर खा के सो जाता। पर आलिया गई कहाँ है? इशु आलिया यंग है, प्लान्स बना हुए हैं, बाहर गई हुई है। मैं तो यंग रहा नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, और कोई प्लान्स नहीं होते मेरे। पर क्यों नहीं होते प्लान्स तुम्हारे? होना चाहिए ना, तुम्हें भी बाहर घूमना फिरना चाहिए, तुम्हें भी पार्टी करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं इसलिए आई हूँ यहाँ, माय लाइफ में ना स्पाइस की जरूरत है। स्पाइस नहीं इशू, आई नीड स्पेस। तुम तो जानती हो ना ये पार्टी करना, बाहर घूमना, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अकेले घर पे बैठ के एक किताब पढ़ लूं या फिर टाइम से सो जाऊं, अच्छी नींद भी तो जरूरी है। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरूरी है कि तुम पार्टी पे ही जाओ बाहर या घूमने फिरने जाओ। इट्स नॉट अबाउट दैट। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम टाइम बिता सको, तो तुम थक हार के ऑफिस से आओ, कोई घर पे हो जिसके साथ तुम बातें कर सको, जिसके साथ हंस बोल सको, तुम दिल हल्का कर सको। यू नीड सम कंपेनियन। तुमने मुझे कन्विंस किया था ना कि मैं रमन के साथ रहूं, उनसे बेहतर मेरे लिए कोई हो नहीं सकता, तो समझ लो मैं भी वही कह रही हूँ तुमसे। दैट यू नीड अ कंपेनियन। तुम पूरी जिंदगी अकेले नहीं रह सकते, और तुम इतने अच्छे हो, इतने केयरिंग हो, इतने सेंसिटिव हो, यू जस्ट नीड टू यू नो वेंचर आउट, थोड़ा मौका दो किसी को। अब तुम्हें तो मेरा गिल्ट कह लो या जो भी, बट मेरी तो यही रिक्वेस्ट है तुमसे, बट कोई तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। इशु एक मिनट, ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो मेरे साथ? और वैसे भी मुझ जैसे मिडिल एज बोरिंग आदमी को अब लड़की कहाँ से मिलेगी? मैं हो सकता है ना कोई ऐसी हो जो खुद भी अकेली हो तुम्हारी तरह, शायद उसको एक बोरिंग मिडिल एज्ड बंदे की जरूरत हो। यू नेवर नो, एक्चुअली एक ऐसी है मेरी नजर में, वो कुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। देखो अच्छी है दिल की, वो भी तुम्हारी तरह केयरिंग है, उसने भी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है दूसरों के लिए। मैं बात कर रही हूँ शगुन की। शगुन हमारी नहीं बनी एक्चुअली। इससे पहले कि तुम रिएक्ट करो, यू जस्ट थिंक ओवर इट, एक बार थोड़ा सोचो तो। सी तुमने अपनी लाइफ मेरे लिए सैक्रिफाइस की, उसने भी अपनी जिंदगी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस की। यहाँ तुम अकेले हो, वो भी अकेली है, तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है, उसे भी है। एक बार बात करके तो देखो, हु नोज मे बी शी मस्ट बी द परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। लेकिन अचानक तुम ऐसे, मुझे मालूम है कि तुम अकेले हो, और अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहीं जाके खुश रह पाऊंगी? नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा ये बात खाती रहेगी कि तुमने अपनी लाइफ मेरे लिए सैक्रिफाइस की और अब तुम अकेले पड़ गए हो। आलिया की भी कल के दिन शादी हो जाएगी, वो भी घर से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो, सो एटलीस्ट उस ऑप्शन को एक बार कंसिडर करके देखो, कुछ बोलो तो। यू मेक मी नर्वस नाउ, आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। इशू इस बारे में तुमने शगुन से बात की है? Are you sure, Shagun, तुमने सही फैसला ले लिया? And this is your last choice? हाँ, मैंने decide कर लिया। मैं ये शादी नहीं कर सकती। I mean, तुम भी जानते हो कि मणि शीता से प्यार करता था। 7 साल जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे, शीता के लिए उसके दिल में फीलिंग्स थी। मैं ऐसे रिलेशनशिप में कैसे पढ़ सकती हूँ? I don't think I'm gonna do this. और अमन, तुमने मुझसे एक बार सच्चा प्यार कर लिया है। And that's enough for me. मुझे अब ये relationship, प्यार, शादी,
इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं बस पीहू, आदि और रूही के साथ रहना चाहती हूँ। आई श्योर शकुन, एक बार सोच लो। हाँ रमन, आई एम श्योर। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मनी, माय फुट। हेलो, क्या? ठीक, मैं अभी उससे मिलने आ रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।